हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वे एक वाइटल रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी में और इसके साथ ही वो एनहांस करते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी को इकोनॉमी में। कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा सही तरह से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अश्योर नहीं किया गया था और साथ ही साथ वो कॉरपोरेट क्राइम को भी ओवरकम नहीं कर सका था। 2008 में जो सत्यम इंसिडेंट हुआ था वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेलियर था कंपनीज एक्ट 1956 का। सत्यम इंसिडेंट के बाद में जो डिबेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुई कि कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कॉरपोरेट सिस्टम को और उसकी प्रोसेस को काफ़ी हद तक क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट होने की आवश्यकता है, जिससे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके, जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट और सेफ डिसीजन ले सकें। कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा खास फोकस दिया गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इसके लिए मेजर्स बताए जाएँ। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस को ऐड किया गया था। एक इन्वेस्टर वह व्यक्ति होता है जो कोई इंडिविजुअल होता है या फिर लीगल कॉरपोरेट एंटिटी होता है, क्योंकि अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है किसी अन्य वेंचर में। ये जो व्यक्ति इन्वेस्टर होता है इसका कोई रोल नहीं होता है डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेज़ है जब हर कोई व्यक्ति कनेक्टेड होता है रेगुलेशंस के साथ में, जो कि सेबी, स्टॉक मार्केट, कैपिटल और सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर डिफरेंट कॉरपोरेट्स के द्वारा दी गई है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लीगली ड्राफ्टेड प्रोविजन है लॉ का, जिससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, जो कि कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और अदर इंटरमीडियरीज़ के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टर्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, और इसके साथ ही उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो भी अलग अलग होता है। पर यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक इन्वेस्टर को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। रेगुलेशन टू गवर्न इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। मेनली हमारे पास 5 रेगुलेशंस हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को कॉरपोरेट सेक्टर में। सेबी एक्ट 1992, कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। रेगुलेशंस रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 को इस तरह से इनैक्ट किया गया है जिससे मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जा सके इन्वेस्टर्स को। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। जनरल पब्लिक से एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट को परमिट नहीं किया गया है एक्ट के द्वारा। इस प्रोविज़न का वायलेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि किसी भी कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डिपॉजिट को पब्लिक से एक्सेप्ट उस मैनर में जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जिसे इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा जनरल पब्लिक के समक्ष। प्रोस्पेक्टस में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के बारे में। सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट डील करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से फॉर मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर किसी कंपनी के द्वारा ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसमें कोई बात गलत बताई जाती है तो उसके लिए जो क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होगी उसको कवर करता है सेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट। जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर उसमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि अनट्रू होता है या फिर मिसलीडिंग होता है, जो कि लोगों को इंड्यूस करता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करें उस कंपनी में, तो यहाँ पर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। फ्रॉड्यूलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। सेक्शन 36 ऑफ द एक्ट डील करता है पनिशमेंट के साथ में। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इंटेंशनली या फिर रेकलेसली इंड्यूस करता है किसी भी इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्टमेंट करे थ्रू एनी अग्रीमेंट किसी भी पर्पस के लिए या फिर किसी भी प्रिटेंडेड पर्पस के लिए प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए। ऐसे समय पर जो जान करके चीज़ों को कंसील किया जाता है वो लायबल होता है पनिशमेंट के लिए अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एनुअल जनरल मीटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है डिविडेंड को डिक्लेयर करना। डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के द्वारा अर्न किया जाता है। जो भी अमाउंट शेयर होल्डर्स के द्वारा लगाई जाती है उस अमाउंट के हिसाब से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 125 है वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन फंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड प्रिपेयर करा जाता है अनपेड या फिर अनक्लेम्ड मनी में से। जब जो पैसा होता है वो अनपेड होता है या फिर कोई व्यक्ति उसको क्लेम करने के लिए नहीं आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पैसे को इस्तेमाल करके इस फंड को क्रिएट किया जाता है। इस फंड को बाद में यूटिलाइज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स के प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए। सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट कहता है कि जो डिविडेंड है उसे क्रेडिट किया जाना चाहिए इन्वेस्टर्स के अकाउंट में 5 दिनों के अंदर अंदर जब भी उसे डिक्लेयर किया जाता है। राइट टू डिमांड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेक्शन 136 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो मेंबर है उसको अधिकार होता है कि वो बैलेंस शीट की कॉपी को प्राप्त करे और ऑडिटर रिपोर्ट्स की कॉपी को प्राप्त करे। अगर इस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पर जो कंपनी है उसके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज किया जाता है। पेनल्टी की अमाउंट होती है 25,000 रुपीज़। जो भी ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि अथराइज होते हैं और डिफ़ॉल्ट करते हैं वो भी लायबल होते हैं पेनल्टी के लिए ऑफ 5,000 रुपीज़। इसके अलावा भी जो इन्वेस्टर होता है उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है या फिर अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ, उन गाइडलाइंस के अंतर्गत जो कि दी गई हैं सेक्शन 436 ऑफ कंपनीज एक्ट में। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013।